बॉलीवुड से एक और बहुत बुरी खबर, महानायक अमिताभ बच्चन की हालत बहुत ही नाजुक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खराब साल रहा है, लेकिन बॉलीवुड के लिए कुछ ज्यादा ही खराब साबित हुआ है, क्योंकि इस साल में हमने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को खोया है। इस लिस्ट में ऋषि कपूर, इरफान खान, साजिद खान, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई सारे सितारे शामिल है। और आज एक और बहुत बुरी खबर सामने आई है, और वो भी अमिताभ बच्चन को लेकर। अमिताभ बच्चन को आज रात को उनकी हालत खराब होते ही तुरंत ही नानावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। हालत देखकर कोरोना का टेस्ट किया गया और कोरोना का टेस्ट करते ही पॉजिटिव आया, जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया है। जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने अमिताभ बच्चन की हेल्थ को लेकर प्रे की है और उनके फ्रेंड्स प्रे भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन ठीक हो। और ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने बताई है, जहां उन्होंने लिखा है कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मेरी फैमिली और स्टाफ का रिजल्ट अभी बाकी है। और अमिताभ बच्चन ने उनसे भी रिक्वेस्ट की है जो पिछले 10 दिन में उनके करीब रहे थे, इन्हें भी कोविड-19 का टेस्ट करवाने की रिक्वेस्ट की है। हम उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द ठीक हो और उनकी तबीयत पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। बच्चन सर, 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 बच